चकनगर तहसील में। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है मुझे। यहाँ पे आया हूँ मैं आज घूमने के लिए। चंबल नदी है ये कुछ नज़ारे हैं दोस्तों यहाँ पर। ये देखो सामने कछुआ, बड़ा सा कछुआ दिख रहा है यहाँ पर, चला गया वो। तो यहाँ पर मैं आया हूँ आज घूमने के लिए दो भाई के साथ। ये यहाँ से इधर से एमपी से आती है ये नदी। इस नदी में बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे, सांप भी मिलेंगे, अजगर भी मिलेंगे, मगरमच्छ, घड़ियाल बहुत बड़े बड़े हैं इसमें, अगर और शायद ही इसमें शार्क भी मछली रहती हैं, डॉल्फिन। ये नीचे जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं इसमें से, नदी में से। जब कुछ लोग आते हैं निकलते हैं यहाँ से, फेंक जाते हैं यहाँ पर। ये नदी जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है इंदौर से, जो कि मध्य प्रदेश से गुजरती हुई है, डिस्ट्रिक्ट भिंड मध्य प्रदेश से ही, और धौलपुर होते हुए ऐसे कोटा बैराज होते हुए निकलती है और इटावा में आके सीधा निकल जाती है। दोस्तों इस नदी का बहुत पुराना इतिहास है, कुछ बता नहीं सकते ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ मैं। इस नदी में पुराने ज़माने में 1960 के करीब कुछ डाकू रहा करते थे, जैसे कि फूलन देवी, सुषमा नायन, सीमा परिहार और भी बहुत सारी थी जिसके मैं नाम नहीं जानता, बस जितना जानता था मैं उतना बता दिया। दोस्तों डाकुओं के ज़माने में इस नदी में लोग इसका पानी पिए तो मर जाएं, इसलिए तो डाकुओं ने बहुत कोशिश की, पानी नहीं पिया, वो रातों रात जागते रहे, पानी के पीने नहीं गए। इस नदी में से रेत नहीं निकलता है क्योंकि ये नदी अलग ही है और स्वच्छ है, इसके अंदर पानी हमेशा या नीले तरीके से, गंदा पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ एकदम बिना प्रदूषित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।